अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ ओरल कैविटी। इस चैप्टर में से जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है वो है डीडी या डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अल्सर्स ऑफ ओरल कैविटी। तो इसका आंसर ये सारा आपने यही का यही उसमें लिख देना। तो वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि पास्ट पेपर में आया है। अब इन्फेक्शन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। फंगल में हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो मोस्ट नोन है कॉमन, कैंडिडियासिस। बैक्टीरियल में विंसर इन्फेक्शन और टीबी और साइफिलिस, और वायरल में ये हर्प सिंप्लेक्स हो गया, हर्पनजाइना, ठीक है। अब इम्यून डिसऑर्डर्स, ये एफ्थर असर, ये अलग से भी पासवर्ड में आया हुआ है, और बेसर सिंड्रोम। ट्रोमा फिजिकल, केमिकल और थर्मल तीन तरह के होते हैं। फिजिकल में बाइट हो गई कोई या जैक टूथ हो गया, ठीक है, और केमिकल में सिल्वर नाइट्रेट, फिनोल, एस्पिरिन किसी भी वजह से बर्न हो गए। थर्मल में हॉट फूड वगैरह या फ्लूड या रिवर्स स्मोकिंग, ठीक है। न्यूप्लास्ट, ट्यूमर्स हो गए, स्किन डिसऑर्डर की टाइप्स और ब्लड डिसऑर्डर्स की टाइप्स, फिर ड्रग एलर्जी, ठीक है, और विटामिन डिफिशियंसीज और मिसलेनियस, ठीक है, कोई या कोई भी अदर कॉज। अब हम ना इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शन को, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं पता अभी, अब हम शुरू से पढ़ रहे हैं। अब इन्फेक्शन में हमारे पास तीन कॉजेज होती हैं, एक होती है वायरल, एक होती है बैक्टीरियल और एक होती है फंगल। बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है, बस समझना। अब हर में ना हमने ना क्या करना है कि कौन से एज ग्रुप में होता है जो भी इन्फेक्शन है, कौन से साइट्स में होता है, ठीक है, और उसके ट्रीटमेंट क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करना है। वायरल का पहले हर्पनजाइना और कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स भी। हर्पनजाइना, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो कहते हैं कोक्सैकी वायरस, ठीक है। अब जो इसका ना इसका एज ग्रुप कौन सा है, ये हमारा होता है चिल्ड्रन, ठीक है, ये बच्चों को इफेक्ट करता है। अब साइट्स ऑफ अल्सर्स, पहले तो हमारे पास बनते हैं वेजिकल्स, मैं आपको बताता हूँ तरतीब। पहले हमारे पास बनते हैं वेजिकल्स, ठीक है, फिर वो रप्चर होते हैं, ठीक है, और फिर वो बन जाते हैं अल्सर्स, ठीक हो गया। अब साइट ऑफ वेजिकल्स या अल्सर्स क्या होगी, पहले वो सॉफ्ट पैलेट और उसके आसपास, ठीक है, हर्पनजाइमा में तो सॉफ्ट पैलेट, इसके आसपास और क्या होता है यूवेला, ठीक है, और क्या होता है हमारे पास इसके पीछे टोंसिल पड़े होते हैं, ठीक है, और टोंसिल के आगे एक फोल्ड होता है जिसको हम एंटीरियर पिलर ऑफ टोंसिल कहते हैं या फिर फोशियल पिलर कहते हैं, ठीक है, फोशियल पिलर ऑफ टोंसिल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वाला फोल्ड। अब जो हमारे पास ना ये है, ये इस जगह पर ना पीछे हमारे पास पड़ा होता है टोंसिल, तो ये आगे जो फोल्ड आ रहा है ये है फोशियल पिलर, एंटीरियर पिलर ऑफ टोंसिल, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये हो गया हर्पनजाइमा, बच्चों को इफेक्ट करता है, साइड ऑफ़ सॉफ्ट पैलेट, उसकी एसोसिएट जगह और साइज का क्या होता है 2 to 4 mm, ठीक है, 2 to 4 mm, येलो बेस होती है और रेड एलवेला होता है सराउंडेड बाय। हर्पनजाइमा जो है ना ये ना इसका जो असर है वो बियॉन्ड 1 वीक तक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड हमारे पास आ गया हर्पेटिक गिंगिवो स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस आपको पता होगा कि ना सोर या फिर इन्फ्लेमेशन इन माउथ होती है, ऑल्सो नोन एज ओरोलेबियल हर्पीस, ठीक है, इस हर्पेटिक गिंगिवो स्टोमेटाइटिस को ओरोलेबियल हर्पीस भी कहते हैं। ये दो तरह का होता है, आसान आसान बहुत ईजी है, ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्योंकि पहले होता है, क्योंकि इसका क्या कहेंगे चिल्ड्रन बच्चों में, ठीक है, प्राइमरी होता है बच्चों में। साइट्स एनी याद रखेंगे, एनी साइट ऑफ ओरल कैविटी जो इसके असर ही बनेंगे ना वो किसी भी साइट ओरल कैविटी के बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स बहुत ईजी हैं, फीवर होगा, ठीक है, फीवर याद रखें, फीवर के साथ हम मोस्टली क्या होता है हमारे पास हेडिक, ठीक है, और सोर थ्रोट, गला खराब जो भी दर्द होता है, सोर थ्रोट और लिम्फाडीनोपैथी, लिम्फ एडीनोपैथी लिम्फ नोड की स्वेलिंग, ठीक है, फीवर, हेडिक, सोर थ्रोट और लिम्फाडीनोपैथी। एक रह गया मेरे ख्याल में, वो हमारे पास है मिलेस, ठीक है, अनइजीनेस, बुखार होगा तो अनइजीनेस तो होगी ही, ठीक है, मिलेस। अब सेकेंडरी प्राइमरी में पढ़ते बच्चों में, सेकेंडरी हम एडल्ट में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो एडल्ट में होता है, मतलब कि हमारे पास हो रहा है उन एडल्ट में इम्यूनिटी क्योंकि ज्यादा होती है, क्योंकि फिर इसलिए हमारे पास इस इन्फेक्शन की माइल्ड फॉर्म होती है, ठीक है, माइल्ड फॉर्म। अब इसकी साइट्स क्या है, वो है वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स, लिप्स का वर्मिलियन बॉर्डर, जो लिप्स होते हैं उसके ऊपर जो ये बॉर्डर होता है ना जो स्किन को लिप्स से सेपरेट करता है उससे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हल्का फुल्का मैं बताता हूँ, ये लिप्स हैं, ये इस कवर में बॉर्डर है जो स्किन से सेपरेट कर रहा है, इधर हमारे पास ना इन्फेक्शन के लो असर्स बन जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद हमारे पास आ गया साइड भी हो गया हमारे पास, अब इसके हमारे पास आ गया इसके एक ना डोमल स्टेज वायरस होती है जो हमारे पास होती है ट्राई जेमिनल गेंगलियोन में, इधर होती है ट्राई जेमिनल गेंगलियोन में, जो बाद में जब एक्टिव हो जाए तो वो सेंसी नर्व से होता हुआ और फ्रेंजियल म्यूकोसा पे चला जाता है, ठीक है। पेरिस्पिरेटिंग फैक्टर्स, किसी भी चीज के पेरिस्पिरेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, ठीक है, कॉमन है, और स्ट्रेस हो गया, फैटी हो गई, ठीक है, थकावट हो गई, और प्रेगनेंसी में काफ़ी इफेक्ट होते हैं, तो प्रेगनेंसी और हमारे पास इम्यून डिफिशेंसीज, ठीक है। अब ट्रीटमेंट्स का क्या होता है,
ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब ये होता है कि जैसे ही सिम्टम्स शो होते हैं हम उसी तरह की मेडिसिन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुखार हो गया तो बुखार की, पेन हो गया तो एनाल्जेसिक हो गया, बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक वगैरह। तो अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है तो इसमें हमारे पास वायरस का है तो हमारे पास एसाइक्लोवर, हम फार्म में पढ़ चुके हैं कि बहुत पोर मेडिसिन होती है। 200 mg हम देंगे, 200। अब इसको याद रखें कि 2, 5, 10, ठीक है। तो दिन में ना 5 बार और 5 दिन तक ना लेनी है, ठीक है। ये हो गया इसकी ट्रीटमेंट। अब हमारे पास ये हमारे वायरल हो गया। पहला हमने पढ़ा था कि ना हर्पन जाइना बच्चों में होता है, सोफ पैर उसके सोसी जगह पे होता है, और फिर हर्पेटिक किंगोस्टोमेटाइटिस या फिर ओरो लेबल हर्पीस, दो तरह का होता है। प्राइमरी बच्चों में होता है, सेकेंडरी एडल्ट में होता है। कौन सी जगह पे होता है? प्राइमरी किसी भी जगह पे होता है, ओरल कैविटी, और सेकेंडरी जो है वर्मिलियन बॉर्डर और हार्ट पैर किंगिवा में होता है, ठीक है। पर मेन बॉर्डर ऑफ लिप्स पर, ठीक हो गया। और फिर डोमेस्टिक ड्राइजर में गैंग्लियम होती है। इंपॉर्टेंट बात, रेस्पिरेटरी फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस, फैटिक, प्रेगनेंसी, इम्यून डिफिशियंसीज और ट्रीटमेंट एसाइक्लोवर। ये पढ़ लिया हमने। अब उसके बाद हमारे पास आ गया बैक्टीरियल, ठीक है। अब बैक्टीरियल दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक होता है मेथर इन्फेक्शन। पहले इजी कर ले स्पेसिफिक। इसमें हमारे पास होता है स्पेसिफिक कौन से होता है? टीबी, साइफिलिस और एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। अब ये जो तीनों है ना ये क्रोनिक अल्सर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोनिक अल्सर्स, ठीक है। बाकी मैंने जहां भी बताया वहां पहले वेसिकल्स बनेंगे, फिर रप्चर बने, फिर रप्चर, फिर अल्सर, इसी तरह अल्सर्स बनते हैं, ठीक है। वेसिकल बनेंगे, फिर रप्चर, फिर अल्सर, ठीक है। अब हमारे पास जो विंसेंट इन्फेक्शन है, हमने पढ़ा, आपने शायद अगर फेरिंक्स पढ़ लिया तो वहां विंसेंट एंजाइना होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे भी सही फेरिंक्स में, तो ये उसी की तरह होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरेलिया विंसेंटाई जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है कॉजिंग स्पायरोकीट, वो दोनों में यही होता है, और फिर वो बैसिलस भी होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव गिंगिवाइटिस, ठीक है। अब इसकी एज ग्रुप डिफरेंट है बाकी सबसे, क्योंकि हमने चिल्ड्रन और एडल्ट पढ़े, तो इसमें यंग एडल्ट और मिडिल एज पर्सन आते हैं इस एज ग्रुप में, ठीक है। यंग एडल्ट और मिडिल एज पर्सन, ठीक है। साइज क्या होती है? इंटरडेंटल पेपिलाए। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है? कि जैसे कि तीत होता है ना, होने में तीत है, ऐसे नहीं था पापा। ये अब इंटरडेंटल मतलब है, डेंटल मतलब दो दांत के दरमियान, दो दांत के दरमियान जो गिंगिवा होता है ना, यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गिंगिवा यहाँ, इन दो दांत के दरमियान, तो यहाँ से ये शुरू होगा और गिंगिवा के फ्री मार्जिन तक जाएगा ये इन्फेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ना इसकी डायग्नोसिस क्या होती है? जहाँ पर भी इन्फेक्शन है वहाँ से ना हम स्मेयर उतार लेते हैं, फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होती है? सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसमें पेनिसिलिन आ जाती है, और हमारे पास ना एक पेनिसिलिन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास होती है एरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, एरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल सिस्टेमिक देते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंट माउथवॉशिस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। किसके से किसे देंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, लिखते नहीं पूरा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और डेंटल हाइजीन हम उसको चेक करते रहेंगे बार बार। हो गया, बैक्टीरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें टीबी, साइफिलिस और एक्टिनोमाइकोसिस जो क्रोनिक अल्सर बनाते हैं, और दूसरा होता है विंसेंट इन्फेक्शन जिसमें एज ग्रुप होता है यंग एडल्ट्स और मिडिल एज ग्रुप। साइट्स होते हैं इंटरडेंटल पेपिलाए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास गिवे में भी हो सकता है, ठीक है। और फिर डायग्नोसिस मेयर कोनर कार्ड के, फिर हम देखेंगे। और ट्रीटमेंट क्या है? सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, माउथ वॉशेस और डेंटल हाइजीन, ठीक है। अब हमारे लास्ट जो है वो है फंगल। फंगल मैंने पहले भी बताया कि मोस्ट कॉमन होता है कैंडिडा एल्बिगेंस, ठीक है। जब भी हम फंगल बताते हैं कैंडिडियासिस हम देखते हैं कि वो कॉमन होगा, तो इधर कैंडिडियासिस ही होता है जिसको हम मोनिलियासिस भी कहते हैं इधर, ठीक है। अब इसकी दो तरह का होता है, एक होता है थ्रश, एक होता है क्रोनिक हाइपरट्रोफिक कैंडिडियासिस। पहले कौन सा पढ़े हैं? पहले थ्रश पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो थ्रश होता है ना वो क्या होता है कि वाइट ग्रे पैचेस हो जाते हैं, ऐसे वाइट ग्रे पैचेस हो जाते हैं। कहाँ पर होते हैं? ओरल म्यूकोजा और टंग, टंग पे और ओरल म्यूकोजा जो सारी जगह म्यूकोजा है यहाँ पे वाइट ग्रे पैचेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस एक होता है कि इसमें ना ये वाइप्ड ऑफ हो सकते हैं पैचेस, ठीक है, वाइप्ड ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो वहाँ जहाँ वाइप्ड हुए थे वहाँ पे एरिथेमेटस म्यूकोजा बन जाता है। एरिथेमेटस का मतलब क्या होता है कि ना जो स्किन रैश है जो किस वजह से होता है हमारे पास इंजर्ड और इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल की वजह से, जिस वजह से ये रेड होता है, ठीक है। अब इसका एज ग्रुप हमारे पास जो थ्रश है इसका एज ग्रुप वही चिल्ड्रन और इन्फेंट होता है, चिल्ड्रन प्लस इन्फेंट। लेकिन एडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन चाहिए कि वो लल जो ना मैलिग्नेंट डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हों, स्टीरॉयड लेते हों, साइटोकाइन ड्रग्स और रेडिएशन एक्सपोजर हो, इन एडल्ट में हो सकता है ये थ्रश। ट्रीटमेंट क्या होता है? निस्टेटिन और क्लोट्रिमाजोल टोपिकल, ठीक है। अब क्रोनिक हाइपरट्रोफिक कैंडिडियासिस है ये जिसको हम कहते हैं कैंडिडल ल्यूकोप्लेकिया, क्रोनिक हाइपरट्रोफिक कैंडिडियासिस या कैंडिडल ल्यूकोप्लेकिया। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाइट पैचेस जो होते हैं यहाँ पर वाइप्ड ऑफ नहीं हो सकते, वो रहते हैं वहीं पर साइट पर ही, ठीक है। अब इसकी जो साइट होती है वो हमारे पास क्या होती है?
बिहाइंड द एंगल ऑफ माउथ एंटीरियर बक्कल म्यूकोजा, एंटीरियर बक्कल म्यूकोजा जो आती है बिहाइंड द एंगल ऑफ माउथ. फॉर एग्जाम्पल ये बनाओ या ना बनाओ, इधर बना देते हैं, नोज है, ये लिप्स है. अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ माउथ होता है लिप्स के दरमियान, इसके पीछे एंटीरियर बक्कल म्यूकोजा पर यहाँ पर हो जाएगा. समझ आएगी तो ठीक है, नहीं तो बस समझ जाए. और ट्रीटमेंट इसमें मतलब होता है एक्सीजनल सर्जरी, एक्सीजनल सर्जरी. इसमें कोई मेडिसिन नहीं देती, ये सर्जरी वाला काम ही है, क्योंकि हमारे पास जो ओरल पैच है वो रिमूव ही नहीं हो रहा, तो हम उसको सर्जरी से फिर रिमूव करेंगे, सर्जरी करके. अब फंगल को बताया तो कि फंगल मैंने बताया कि याद रखें कि कौन सा इंपॉर्टेंट मशहूर कह लें, मशहूर जमाना कह लें, कुछ भी कह लें, कैंडिडियासिस, कैंडिडियल बैगेंस जो करवाता है, ठीक है, इसको मोनिलियासिस भी कहते हैं. एक थ्रश होता है जिसमें वाइट पैचेस जो ओरल म्यूकोजा पर और टंग पर होते हैं वो वाइप ऑफ हो जाते हैं, मेन बात. और एक होता है कैंडिडियल ल्यूकोप्लेकिया जिसमें पैचेस होते हैं वो वाइप ऑफ नहीं होते, खड़े रहते हैं, जिसको हमें सर्जरी करके निकालना पड़ता है, ठीक है. इसको क्रोनिक हाइपरट्रोफिक कैंडिडियासिस या कैंडिडियल ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं, ठीक है. और ये कैंडियासिस थ्रश जिसे बता दिए सारी बातें, चिल्ड्रन में होता है, एडल्ट में होता है, ठीक है. उम्मीद आपको समझ आ जाएगी, कोई नहीं आएगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे जैसे कि टीचर्स कहते हैं नॉर्मली. पर ये बात जैसे कि ये पास पेपर क्वेश्चन इसको याद कर लीजिएगा, मैं अगर डिटेल में बताऊंगा, पास पेपर की वीडियो अलग से भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है. अल्लाह हाफिज़.